हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। हम लोग इंटीग्रेशन को आज स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन क्लास 12 के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रल कैलकुलस आपका अगर अच्छा हो जाता है तो इसी पे बेस्ड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर यह इंटीग्रेशन आपका अच्छा हो जाता है तो मैथमेटिक्स फिजिक्स भी आपका अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स में भी जितने भी डेरिवेशन है उसके लिए इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। यह बायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मैथमेटिक्स जिनका है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। और आगे भी अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं तो वहाँ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आज हम लोग इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन नया नहीं होगा, अगर क्लास 11th में है और 12th में आप आए हैं तो निश्चित रूप से इसको पढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन का वीडियो आपको एवरीडे या एक दिन गैप पे निश्चित रूप से अपलोड किया जाएगा। हम लोग जो बुक, मैं जो बुक फॉलो करूंगा बेसिकली आरडी शर्मा को फॉलो करूंगा और एनसीईआरटी को भी फॉलो करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लाभान्वित होना, देखना निश्चित रूप से आपके लिए यह लाभदायक होगा। चलिए इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट, आज का जो है हम लोग का ये है लेक्चर 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 से। सबसे पहले इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होता है, क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो सीधा है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या लिखे डिफिनेशन, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। मतलब यहां से यह पता चला कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको आता है तो निश्चित रूप से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग क्या लिखे जी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स, या इसको कैपिटल ले लें, कैपिटल एफ एक्स प्लस के, कॉन्स्टेंट को मैं के कहता हूं, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया गया होगा तो स्मॉल एफ एक्स आया होगा। ठीक है, के का कॉन्स्टेंट का डीसी 0 होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन वी कैन राइट इफ डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। अगर कैपिटल एफ एक्स और प्लस के का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स आता है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा जी, ये टर्म आएगा कैपिटल एफ एक्स और प्लस के आएगा। यहां से फॉर्मूला फॉर्म हो गया। अब है कि इस के को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। जब के जो है, अब देखिए यहाँ एक चीज और समझते हैं। ठीक है, डी बटे डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन अगर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है तो इसका भी डेरिवेटिव 2x है। डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसका भी डेरिवेटिव 2x है। डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 100 है, इसका भी डेरिवेटिव 2x है। हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का भी डेरिवेटिव 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का भी डेरिवेटिव 2x है। के अलग अलग है, के फिक्स नहीं है, मतलब के डिफिनिट नहीं है। और के डिफिनिट नहीं है इसलिए इस इंटीग्रेशन को के जो है यह डिफिनिट नहीं है। ठीक, डिफिनिट नहीं है। और इसी के चलते इस इंटीग्रेशन को जो विदाउट लिमिट पढ़ते हैं क्या कहा जाता है जी, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहा जाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दो पार्ट होता है, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट जिसमें लिमिट नहीं होता है, डिफिनिट जिसमें लिमिट होता है। तो डिफिनिट हम लोग बाद में पढ़ेंगे,
तो जल्दी से आप उठा लीजिए। और इंटीग्रेशन में के जो लिखा होता है, के लिखने का यही लॉजिक है, देख लीजिए 100 माइनस 5 1। हम श्योर नहीं है के बारे में, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, के का वैल्यू डिफिनिट नहीं है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम ड्यू टू के इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। जल्दी से इसको लिखिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसको उतारे अब आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद है उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक काम को हम लोग समझते हैं, एकदम वीडियो के साथ आप लोग बने रहना। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप देखना कोई भी बुक से आप एक्सरसाइज बनाना चाहते हो बनेगा निश्चित रूप से। ठीक, चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जान दें। ये देखिए स्मॉल एफ एक्स डी एक्स या बीटा एफ एक्स प्लस ये किस तरह से हम लोग लिखते हैं, यह जो यहाँ दिख रहा है इसको इंटीग्रल साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? इंटीग्रल साइन। यह जो एफ एक्स है यह है कौन सा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको शॉर्ट में इंटीग्रल बोल देते हैं। ये है इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इसको बोला जाता है। यह जो एफ एक्स है ये आपका इंटीग्रेशन के होने के बाद है आने वाला रिजल्ट, मतलब इंटीग्रल वैल्यू आपका सकते हैं। ठीक, और यह जो के है प्रायः वो कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्स्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं जिसमें कुछ प्रॉपर्टी, आर्बिट्री का मतलब होता है मध्यस्थ, कुछ प्रॉपर्टी कांस्टेंट का और कुछ वेरिएबल का। ठीक है, तो यह हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, एफ फंक्शन हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक एक कंपोनेंट को हम लोग डिफाइन किए, आप डिफरेंशियल ऑफ एक्स कर सकते हैं। जल्दी से उठा लीजिए, उसके बाद हम लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूला के तरफ चलेंगे। डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। उम्मीद है लिख लिए होंगे, जल्दी से इसको उठा लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए हम लोग धीरे धीरे पहले बेसिक करते हैं, हो सकता है कुछ लोग इलेवंथ में फिजिक्स में नहीं सुना अच्छा से पढ़े हूँ। आज हम लोग फार्मूला जो मैं लिख रहा हूँ एक्स एन डी एक्स पढ़े होंगे, नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला लेते हैं। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस के, डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस के, आज इस तीन फार्मूला पे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है इस तीनों फॉर्मूला को लिख लिए होंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एन नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्यों जी? डेनोमिनेटर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पी एक्स बाई क्यू एक्स, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डेनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर यह जीरो हो गया तो डिफाइंड हो जाएगा, मतलब एक्स के ऊपर अगर कोई पावर है तो एन का वैल्यू माइनस वन नहीं लेना। अब आपके दिमाग में आएगा कि एन के जगह अगर माइनस वन आएगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, अरे एक्स के पावर माइनस वन है मतलब वन बाई एक्स है, उसके लिए फॉर्मूला है लॉग मॉड एक्स। तो आज हम लोग इस तीन फॉर्मूला पे काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम जीरो से मैं यहाँ सिखाने की कोशिश करूंगा। आप सपोज कीजिए आपको दे दिया ऐसा इंटीग्रेशन, ठीक, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, वेरिएबल एक्स है मतलब कॉन्स्टेंट यह है। कभी भी अगर वेरिएबल पे, कभी भी अगर वेरिएबल पे कांस्टेंट हो, ध्यान दीजिएगा जब फॉर्मूला लगता है क्या लिखेंगे, एन का वैल्यू यहाँ 5 है, एक्स का पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस के हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू एक्स 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस के हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह का कोई भी प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, आप बना लेंगे। एक अगला क्वेश्चन लिखे आई इक्वल टू एक्स का पावर माइनस से बढ़ी है, अब बच्चे घबरा जाते हैं
यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ तो मैं -7 लिख दिया हूँ, अब यह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो सकता है, इंटीग्रेशन इसका भी हो जाएगा। क्या लिख देंगे? x -7+1 मतलब n+1 -7+1 और प्लस के i इक्वल टू एक्स का पावर -6 डिवाइडेड बाय -6 प्लस के। यहाँ तक मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर इस वीडियो के साथ पार्ट वाइज लेक्चर वाइज आप बने रहेंगे, निश्चित रूप से इंटीग्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि n यहाँ पॉजिटिव इंटीजर था, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि n नेगेटिव इंटीजर है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि x पे पावर 5/3 या dx फ्रैक्शन है, यहाँ भी यह फॉर्मूला काम करेगा। यह क्या हो जाएगा? एक्स एन प्लस 5/3+1 डिवाइडेड बाय 5/3+1 और इधर लिख देंगे कि i इक्वल टू 3×1 8/3 प्लस के, इसको रिवर्स कर दिए 3/8 एक्स का पावर 8/3 प्लस के। या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, तो जल्दी से मैं चाहता हूँ आप उतार लें और इसी तरह वीडियो के साथ आप बने रहना। एक दिन टू दो दिन के गैप में आपको इंटीग्रेशन का वीडियो आगे अपडेट होते रहेगा। अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, आई इक्वल टू आप इस तरह से लिख दिया, ठीक। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीचे इंटीग्रेट करते हैं, ऐसा नहीं करना। ये किससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, इससे। और यहाँ xn का पोजीशन कहाँ पे है? न्यूमरेटर में। और यहाँ पर x4 का पोजीशन कहाँ है? डिनोमिनेटर में। शिफ्ट कर देना। शिफ्ट कैसे करेंगे? कोई भी नीचे से ऊपर तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा। अब xn का फॉर्मूला यहाँ लगा देना, क्या हो जाएगा? -4+1 नीचे -4+1 प्लस के i इक्वल टू एक्स -3 प्लस के। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फटाफट लिखते जाना, एकदम वीडियो के साथ आप बने रहना। आज लेक्चर 1 है, हर एक 1 डे या मैक्सिमम 2 डेज के गैप पे आपको वीडियो अवेलेबल होगा, बस आप इस वीडियो से अपना फायदा ले पाए। चार हो गया, पांचवा क्वेश्चन। अब मान लीजिए कोई कॉन्स्टेंट लिख दिया 5x³dx, अब बच्चे घबरा जाते हैं। कॉन्स्टेंट किस तरह से पहचान करेंगे? तो 5 देख के आप कॉन्स्टेंट डिक्लेयर, मतलब कॉन्स्टेंट को नहीं सोच लेना है, डिक्लेयर नहीं, कॉन्स्टेंट है ऐसा नहीं सोचना। इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 5 वहां एक्स जो है वेरिएबल हुआ, तो एस जो है कॉन्स्टेंट हुआ, कॉन्स्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ हुआ x³dx, x³dx का इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो? 5x³+1 नीचे 3+1 यहाँ प्लस के i इक्वल टू 5x⁴/4 प्लस के। क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ? 5 नंबर क्वेश्चन, इसको उतारते हैं जल्दी से। चलिए उम्मीद करते हैं यह 5 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आप उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन को बनाने और समझने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी पहले हम लोग धीरे धीरे जीरो से एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। अगर आप 11th को अच्छा से नहीं पढ़ पाए होंगे तो घबराना नहीं है, यहाँ आपको सीखने का एक मौका दिया जाएगा। छठा 6th क्वेश्चन, मान लीजिए इस तरह से लिख दिया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू x³dx प्लस x²dx, अलग अलग कर दिए, मतलब इंटीग्रेशन जो है वह मैथमेटिक्स के एरिथमेटिक लॉ को फॉलो करता है, मतलब इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लें, x³+1 नीचे 3+1, इसका इंटीग्रेशन कर लें 2+1/2+1 प्लस के i इक्वल टू x⁴/4 x³/3 प्लस के, ऐसा लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा, 6 नंबर 6 क्वेश्चन हम लोग अभी तक किए हैं।
छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप न्यूमेरिक संख्या का विषय नहीं जाना है। सातवां क्वेश्चन जल्दी से इसको लिख लें, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन आप देखें, सातवां क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से लिख दिया, ठीक। अब बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं, यह थ्री रूट एक्स नहीं क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक। अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ एक्स, एक्स का पावर 1/4, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, एक्स का पावर 1/5, सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, एक्स का पावर 1/6, इस तरह से लिखने पहले इसको समझ में आ गया। इस चीज को ध्यान देना है, यह किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अगर थ्री रूट एक्स बोलते हो इस तरह से होगा, यहाँ मैं क्यूब रूट ऑफ एक्स बोला। इस चार पॉइंट, जो चार पॉइंट आपको क्यू पॉइंट नीचे लिखा गया है, इसको जल्दी से आप लिख लें, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, इसको क्या लिख सकते हैं जी, आई इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 पी एक्स। अब एक्स एन फॉर्मूला यहाँ लगा दें, एक्स 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस 3, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, 4/3 प्लस के रिवर्स कर दें, सॉरी 3/4 है, एक्स का पावर 4/3 प्लस के। यहां तक में कोई दिक्कत आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, इसको आप निश्चित रूप से कॉपी में उतारें। कभी भी वीडियो देखते हो कॉपी कलम लेते बैठना, ठीक है। आज लेक्चर 1 है, हम लोग इन्फिनिटी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, और जो बुक मैं फॉलो करूंगा आरडी शर्मा, और निश्चित रूप से एनसीईआरटी का बुक होगा। 7 क्वेश्चन हम लोग किए, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको पहले आप लिख लें, आई इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बहुत लोग रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है या मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जाएगा जी, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए जो रूट के अंदर था उसको उसी तरह लिखा गया, और ये हो गया 1/5 डी एक्स। अब ये आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, एक्स का पावर 2/5 डी एक्स। अब एक्स एन का फॉर्मूला लगेगा जी, क्या हो जाएगा, एक्स 2/5 प्लस 1, 2/5 प्लस 1 प्लस के, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 5 to 7/5, और नीचे भी हो गया 7/5 और प्लस, तो या इस तरह से इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हुआ। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं हर एक एवरी वन डे पे, यानी रेगुलरली, या मैक्सिमम 2 डेज गैप पे आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। तो इंटीग्रेशन के साथ आप लोग बने रहना, मैथमेटिकल सेशन को जो भी लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। विश्वास रखें इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, निश्चित रूप से पूरा वीडियो को देखने के बाद साथ ही साथ चैप्टर आप बनाते रहना, आपसे चैप्टर बनेगा, यह मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।